सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पावारी और आज मैं आपको बताऊंगा कोडेन मेडिसिन के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक की नोट्स चाहिए, अगर ये रिटन में चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट beodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा और आप मेरे ये यूट्यूब के चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये दवा यूज होती है सूखी खांसी यानी कि ड्राई कोराइजा, उसमें ये बहुत ही अच्छी दवाई है। उसके अलावा दर्द में भी ये दवा यूज होती है, लेकिन ये दवाई ऑन द काउंटर मेडिसिन नहीं है। आपको मेडिकल से ऐसे ही ये दवाई नहीं मिलेगी। ये दवाई लेने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है, क्योंकि ये जो दवाई है ये नार्कोटिक विभाग में आती है। अगर ये दवाई कोई पेशेंट ऐसे ही लंबे समय तक लेता रहे तो फिर उसके एडिक्शन हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति ना हो इसके लिए ये शेड्यूल्ड में आती है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अवेलेबल होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो कोडेन मेडिसिन है उसका इंडिकेशन क्या है, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में ये यूज होती है, फिर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये कौन कौन सी परिस्थिति में नहीं लेनी है, इसका डोजेज क्या है, इसकी साइड इफेक्ट क्या हो सकती है और इसमें स्पेशल प्रिकॉशंस हमें क्या लेने होते हैं, ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो दवाई है ये इसकी डिस्कवरी हुई करीबन 1832 में। पियरे जीन रोबिक्वेट इसने ये दवाई को फाइंड किया और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिस्ट में ये एसेंशियल मेडिसिन है। इसलिए ये जो दवाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दवाई कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में यूज होती है, इसका इंडिकेशन क्या है। ये दवाई सूखी खांसी यानी कि ड्राई कोरेजा, उसमें बहुत ही अच्छी है। जब एक साथ ही हमें खांसी आती ही रहती हो तो ऐसी डिजीज कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। फिर दूसरा, जब माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो, दर्द हो, ऐसी कोई डिजीज कंडीशन हो उसमें भी ये दवाई बहुत ही उपयोगी है। और लास्ट, डायरिया जैसा जब सिम्टम हो तो उसमें भी ये दवाई लेने के बाद आराम मिलता है। साथ साथ हम ये समझते हैं कि ये दवाई इफेक्ट कैसे करती है। जब हमें कोई चेस्ट में इन्फेक्शन हो तो उसमें जो खांसी आती है उसका मैसेज हमें मिलता है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ब्रेन से जो मेड्यूला करके पार्ट है, जो पॉन्स करके जो पार्ट है, वहां हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और वहां से मैसेज आता है यहाँ के मसल्स पे और उसकी वजह से हमें खांसी आती रहती है। ये दवाई लेने के बाद ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो ब्रेन का पार्ट है, उसे ये डिप्रेस कर देती है, वहां से मैसेज ही चेस्ट पर नहीं आता है और हमें तुरंत खांसी में आराम मिल जाता है। वैसे ही होता है दर्द में, जब हमें कोई डिजीज कंडीशन में, कोई इंजरी में जब पेन हो रहा हो और ये दवाई हम लें तो जो ब्रेन का जो पार्ट है जहां से जो पेन फील होता है वो पार्ट को ही बंद कर देती है और उसकी वजह से जो हमें इंजरी हुई है या फिर दर्द हो रहा है वो वैसे के वैसा ही होता है, लेकिन ये जो फील करने की जो ताकत होती है नर्व्स की, उसे ये बंद कर देती है और उसके कारण कुछ घंटे तक ये दवाई लेने के बाद पेन में भी आराम मिलता है। ऐसे करके ये सारी डिजीज कंडीशन में ये दवाई इफेक्ट करती है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी कि किन डिजीज कंडीशन में ये दवाई को यूज नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी कोई पेशेंट को ये मोलिक्यूल से हाइपर सेंसिटिविटी हो तो वो पेशेंट को ये दवाई नहीं देनी है। फिर किसी को लीवर का डिजीज है तो उसमें भी ये दवाई को अवॉइड करना है। और लास्ट, जब रेस्पिरेटरी का फेलियर हो, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ऐसी परिस्थिति में भी ये दवाई को अवॉइड करना चाहिए। तो ये हुई जो कोडेन मेडिसिन है उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके बाद हम समझते हैं इसके डोजेज के बारे में, यानी कि ये दवाई कितनी मात्रा में देनी चाहिए। ड्राई कोराइजा हो तो उसमें इसकी मात्रा अलग होती है, अगर पेन के लिए हम दे रहे हैं तो उसमें भी ये दवाई देने की मात्रा अलग होती है। डोजेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार कोई डिजीज के लिए आप दवाई चूज कर लो तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उसको आप कितनी मात्रा में दोगे, क्योंकि कम मात्रा इफेक्ट नहीं करेगी और ज्यादा मात्रा नुकसान करती होती है। इसलिए इसका जो डोजेज है वो समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ड्राई कोरेजा के लिए ये दवाई को यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा होती है 40 to 120 mg per day,
यानी कि एक दिन में इतनी मात्रा में हम दवाई को दे सकते हैं। जो मार्केट में सिरप अवेलेबल है उसमें इसकी मात्रा होती है 10 mg/5 ml, यानी कि अगर आप 5 ml दिन में 3 बार लो तो भी ये दवाई इफेक्ट करती है। अगर डॉक्टर को जरूरत लगे तो फिर इसका डोज जो है वो बढ़ाया जाता है। फिर अगर इसको पेन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा होती है अप टू 240 mg/day। इतनी मात्रा में आप ये मॉलिक्यूल को ले सकते हो। ऐसे करके इसका जो डोजेज है वो दिया जाता है। और ज्यादातर कंट्री में ये बच्चों में अवॉइड की जाती है। 12 साल से जिसकी कम उम्र कम हो उसमें ये अवॉइड की जाती है। और इसकी जो ऑनसेट ऑफ इफेक्ट है, ये दवाई की जो इफेक्ट है वो विद इन 30 to 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप खांसी के लिए दवाई ले रहे हो तो लेने के 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा आराम मिल ही जाता है। तो ये हुआ इसका डोजेज। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दवाई की साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि यह दवाई लेने के बाद क्या नुकसान हो सकता है। जिस भी दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट होती है, लेकिन हर एक को फील नहीं होती है। जिसको भी ये मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो उसका ही उसकी साइड इफेक्ट होती है। ये दवाई लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को उल्टी जैसा लगे, या फिर उल्टी हो जाए, नोजिया, वोमिटिंग, या फिर कब्ज हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ऐसी साइड इफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा डिजीनेस, ड्राउजीनेस, चक्कर जैसा लगे, ये हो सकता है। शरीर में चक्का में निकले, रेसिस हो जाए, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, ब्रीदलेसनेस हो जाए, विजिंग हो जाए, ऐसा ये दवाई लेने के बाद हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये हर एक को फील नहीं होता है। जिसको भी ये दवाई से सेंसिटिविटी हो उसको ही ये दिक्कत होती है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ इसकी ब्रांड नेम के बारे में कि ये दवाई कौन कौन सी ब्रांड से ये दवाई मिलती है। जब खांसी के लिए ये कोडेनकॉम ढूंढे तो ये दवाई मिलती है कोडिस्टान, जो मैनकाइंड कंपनी बनाती है, टोपेक्सिडी, कोरेक्स, ऐसी ब्रांड नेम से मिलती है, जिसमें कोडिन की मात्रा होती है 10 mg/5 ml। और उसके साथ जो कोल्ड सर्दी के जो अलग कंटेंट है CPM, यानी कि क्लोरफिनरमाइन मेलिएट, ये दवाई इसके साथ होती है। फिर अगर पेन के लिए आप ढूंढे तो फिर ये पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक, ऐसी जो दूसरी पेन किलर्स है उसके साथ ये कोडिन दवाई है ये कॉम्बिनेशन में मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि पूरी कोडिन मेडिसिन के बारे में, जिसमें इसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसका डोजेज, इसकी साइड इफेक्ट, ये सारी बात हमने समझी। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।